हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 का 3D से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम है, लेट पी क्यू आर बी ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, दिस इज पी, दिस इज क्यू आर, एंड आर का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 4, 2। सपोज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, एम का कोऑर्डिनेट 2, 1, 2। द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का डिस्टेंस, सेंट्रोइड जी है सपोज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। ये दो लाइन अगर L1 एंड L2 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर n है तो ये डिस्टेंस निकालना है। फिर ये जो जी है, जी जो है सेंट्रोइड है, वो एम आर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये दो पॉइंट में 2, 1, 2 एंड -1, 4, 2, इसमें सेक्शन फार्मूला लगा के जी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या होगा, 2 × 2, 4, 1 × -1, -1 डिवाइडेड बाय 1+2, 3। वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3। फिर 1 × 2, 2 × 2 बाय 3। दैट मीन्स सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2, 2, 6/3 is 2, 6/3 is 2। ये हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट, एन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सपोज इस लाइन, ये लेमडा एंड म्यू नहीं दिया है, हम लोग एज्यूम करेंगे दिस इज इक्वल टू लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। तो फिर इसको लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू पकड़ने से, अगर ये लाइन को हम L1 बोले एंड इस लाइन को L2 बोले, सो यहाँ से L1 के ऊपर में कोई एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस प्रकार होगा, 0 × λ 0, ये 2 उधर जाके प्लस होगा, 2 λ एंड -λ -3। ये जो कोऑर्डिनेट है हर लेमडा के लिए L1 लाइन पे रहेगा, उसी प्रकार L2 लाइन का एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट μ+1, -3μ, -3μ-1 होगा। म्यू का हर वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट होगा L2 में रहेगा। अब ये दोनों अगर सेम हो गए तो वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये दोनों का वैल्यू सेम होना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, 2 = μ+1, सो यहाँ से μ = 1 मिलता है। म्यू का वैल्यू यहाँ डालने से L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, म्यू का वैल्यू 1 डाला है, 2 − 6, 0। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमको क्या निकालना बोला है, ये सेंट्रोइड एन एन के बीच में डिस्टेंस। सो जी एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 − 1 square is 1, −6, −2, −8 square, ये 1 square, 0 − 2, −2 square, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 64 + 4, 68 + 1, 69, स्क्वायर रूट ऑफ 69। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस सेंट्रोइड एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बीच का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 69, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये प्रॉब्लम का आंसर सी होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।